Hi guys, welcome back to my channel. आज मैं आपको इस वीडियो में DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इजी है. बस दो चीजें चाहिए आपको और आपका मेकअप सेटिंग स्प्रे तैयार है. इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि है मेकअप सेटिंग स्प्रे का ही, बट आज का जो वीडियो है इसमें मैंने कुछ एडिशनल चीजें मंगाई है जिससे मैंने यूज किया और मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा. ये मेकअप सेटिंग स्प्रे आप मैक के साथ कंपेयर कर सकते हो. मैक का जो मेकअप सेटिंग स्प्रे होता है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, लाइक 100 ml 1600 rupees का होता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता. इनफैक्ट मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं एक मेकअप सेटिंग स्प्रे इतना एक्सपेंसिव लूं, उससे अच्छा मैं कोई कॉस्मेटिक ले लूं. बट मैंने ये DIY अपने पिंटरेस्ट अकाउंट में देखा और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूं एक बार कि ये कैसा लगता है. सो दो तीन चीजें मुझे Amazon से मंगाना था जो कि मैंने मंगाया और मैंने बनाया, मैंने यूज किया. सच में इट्स इनक्रेडिबल, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है ये DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे. सो गाइज, ये सेटिंग स्प्रे बनाने के लिए आपको चाहिए एक स्प्रे बॉटल जो कि आपको इजीली Amazon से मिल जाएगा या फिर आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा. ये इस तरह का स्प्रे बॉटल होगा जो नॉर्मली होता है, इससे छोटा भी होगा तो चलेगा. इसके बाद आपको चाहिए ग्लिसरीन. अब नॉर्मल जो ग्लिसरीन बॉटल आता है वो मत यूज करना जो मेडिकल शॉप में या कहीं मिलता है. ये वाला ग्लिसरीन आपको यूज करना है. ये है 100% प्योर वेजिटेबल ग्लिसरीन. सो गाइज, ये वाला ही ग्लिसरीन आपको यूज करना है ये वाले मेकअप सेटिंग स्प्रे के लिए जो कि मैक को टक्कर दे सकता है. इसके बाद सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हेजल वाटर. ये भी इजीली नहीं मिलता है अमेजोन में, लेकिन आपको मिल जाएगा. ये बाहर लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके फेस में जो ऑयल आता है मेकअप के बाद, कुछ घंटे बाद हमेशा ऐसा होता है ना कि ऑयल आ गया फेस पे, ये उस ऑयल को कंट्रोल करता है. तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे भी नॉर्मली ये DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे के लिए ये दोनों इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑप्शनल है. अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप यूज करना. ये है लेवेंडर ऑयल. तो ये नॉर्मली सभी के पास होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों चीजें आपको लेना ही होगा अगर आपको ये मेकअप सेटिंग स्प्रे बनाना है तो. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत ही अमेजिंग है. ऑलरेडी मैं यूज कर रही हूँ इसे, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा. इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप परेशान हो, मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और आपको लेना ही है, तो क्यों ना आप इनमें इन्वेस्ट करके अपना खुद का एक DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे बना लो. सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. सबसे पहले आपको एम्प्टी बॉटल लेना है, उसके बाद आपको ग्लिसरीन लेना है. अब ग्लिसरीन आपको ज्यादा नहीं लेना है, 2 tablespoons लेना है. यहाँ पे मैं अंदाजे से डाल रही हूँ. बहुत ज्यादा ग्लिसरीन नहीं डालना है वरना आपका स्किन में वो थोड़ा ऑयली टाइप लगेगा. तो इतना मैंने ग्लिसरीन लिया है यहाँ पे. अब मैं हेजल वाटर डालूंगी. यहाँ पे हेजल वाटर डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है. तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये इतना क्वांटिटी में यहाँ पे है. अब मेरे पास लेवेंडर ऑयल है तो मैं लेवेंडर ऑयल यूज कर रही हूँ. अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है. यहाँ पे मैंने 5 drops डाला है लेवेंडर ऑयल का. अब लास्ट जो चीज है वो है वाटर. वो प्यूरिफाई होना बहुत जरूरी है. इतना पानी मैंने ले लिया यहाँ पे. अब इसे अच्छे से शेक करना है. तो ये मेरा DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे रेडी है. तो लेवेंडर ऑयल से इसमें बहुत अच्छा सा एक फ्रेग्रेंस आ गया है. आई एम लविंग इट. इसके बाद आप अपना स्किन पे टैप करते हुए अपने मेकअप को लॉक कर सकते हो. दिस इज अमेजिंग गाइज, एक बार आपको जरूर यूज करना चाहिए. एंड यस, ये आपका मेकअप ही सेट नहीं करता, इवन आपके पोर्स को भी मिनिमाइज कर देता है. अगर आप मेकअप के पहले भी इसे अच्छे से स्प्रे करेंगे, उसके बाद मेकअप करेंगे, तो आपको प्राइमर की भी जरूरत नहीं है. ये ब्राउनी पॉइंट है इस वाले मेकअप सेटिंग स्प्रे में.
सो गाइज आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो. अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. मिलती हूँ जल्दी ही अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय.